बेशर्मों वाली बातें करते हैं लोग। शर्म नाम की चीज़ नहीं, लोकतंत्र को तर तर करते, बेटियों को बदनाम करते, इस देश की बदनामी हो रही। अब नहीं हो रही बदनामी देश के, इसका मतलब ब्रजभूषण से डर लग रहा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, और नड्डा जी चड्डा जी कौन से या अड्डा जी, इनको डर लग रहा। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो आप इस तरीके की बातें करते, अरेस्ट कर लिया कर ले दो 56 पत्रकार यहाँ पे और सभी बात मेरे से कर रहे हो, क्या मतलब होता है पास्को एक्ट का? आप क्यों भूल जाते हैं और क्यों जनता को भी भुलवा देते हैं इस बात के लिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री भी आरोपी है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। किसान आंदोलन में कुछ नेताओं ने किसान आंदोलन को स्थगित करवा दिया, किसानों के साथ छल हो गया था। जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा और दिल्ली के बॉर्डरों पर भी आंदोलन होगा अगर इनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ किया गया। 100-200 करोड़ देकर के इन बेटियों को यहाँ बिठाया जाता तो ये इन तख्तों पर नहीं सोती लकड़ियों के, जिनकी वजह से रात इन्होंने सिर फाड़े पहलवानों के। मैं खिलाड़ी के तौर पर जी, क्योंकि मैं देश की खिलाड़ी रही हूँ, इंटरनेशनल शूटर रही हूँ, शूटिंग की प्लेयर रही हूँ, खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इन्होंने देश का अगर नमान बढ़ाया, हमने भी देश के लिए खेला है, देश में भी खेला है, देश के लिए भी खेला है, तो एक खिलाड़ी परिवार की हैसियत से यहाँ पर आई हूँ। नहीं, खिलाड़ी का प्रदर्शन करने वाले हैं या फिर उस किसान आंदोलन का प्रदर्शन होगा? किसान आंदोलन 13 महीने का किसान आंदोलन, राम राम बाबा, किसान आंदोलन का जो अनुभव है उसके साथ मैं खिलाड़ी परिवार को समर्थन करने के लिए, खिलाड़ियों को समर्थन करने के लिए पीछे जो मजबूती देगा वो एक खिलाड़ी का जो दिल है मेरे अंदर, खिलाड़ी की जो मजबूती है वो देगा, और किसान आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा, उसके जो मेरे अंदर जो एक अनुभव है वो आप लोग देखेंगे। सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं वो सब चुप हैं, ये आप भी देखिए कि देश की बेटियों के साथ में किस तरीके का व्यवहार, और उस बेटी के साथ में जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, ये जनता को भी देखना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। हिंदुस्तान की ये सिर्फ निगाहें हैं ना, हिंदुस्तान की नहीं टिकी हुई है इस आंदोलन पर, वर्ल्ड की टिकी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड में नाम रोशन करने वाली बेटियां बैठी हुई है। यहां से जो है आग्रह किया गया था कि तमाम लोग यहां पर पहुंचे और साथ देश आंदोलन को बढ़ाने में गांव से आए, कैसे देखती हैं? अभी तो फिलहाल जो है इतनी संख्या नहीं पहुंच पाई है। नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हैं, अभी 70-80 ट्रैक्टर रोके हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की तरफ, और ये यहाँ से 300 मीटर दूरी पर बैरिकेड लगा है, कम से कम वहाँ पर 300-400 किसान बैठे हुए हैं, आप देखिए जाकर के, यहाँ से बाहर निकलिए इस वाले बैरिकेड पे। और दूसरी बात, यहाँ का जो नजारा आप अंदर माइक ये लगा करके देखिए कैमरा, पता लग जाएगा तुम्हें। नहीं तो ये बताइए कि क्या ये आंदोलन लंबा खींचने वाला है? ये तो ब्रजभूषण तय कर रहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी नहीं कर रहे कि आंदोलन कितने लंबे और कितने छोटे होंगे। ये आंदोलन जो है, अगर ये चाहते हैं कि लंबा खींचे तो हम लोग तो आंदोलन जीवी हैं, लंबा खिंचा लेंगे इसको, बैठ जाएंगे दिल्ली के बॉर्डरों को घेर करके फिर से। साफ तौर से ये गेंद जो है प्रधानमंत्री के पाले में फेंका, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे, अगर जेपी नड्डा कहेंगे या फिर अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो काहे को ना कह रहे वे, इसका मतलब ब्रजभूषण से डर लग रहा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, और नड्डा जी चड्डा जी कौन से या अड्डा जी, इनको डर लग रहा। लेकिन अभी डर लग रहा है ना, अभी दोषी जो है वो पास्को एक्ट का मतलब क्या होता? तुम 56 पत्रकार यहाँ पे और सभी बात मेरे से कर रहे हो, क्या मतलब होता पास्को एक्ट का? तुरंत गिरफ्तारी, 6 बार के सांसद है, हो सकता है इसलिए ना हो रही हो। पास्को एक्ट, अगर एक सांसद आरोपी है तो क्या वो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? आप क्यों भूल जाते हैं और क्यों जनता को भी भुलवा देते हैं इस बात के लिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री भी आरोपी है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा? FIR दर्ज की हुई लगभग, तो पास्को एक्ट में आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? दिल्ली पुलिस यहाँ डंडे बजवाने को छोड़ रखी है 24 घंटे, ये डंडे बजवाने को छोड़ रखी है यहाँ दिल्ली पुलिस 24 घंटे पहले। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का ना अब तक मेरे पास फोन आया है ना किसी तरीके से। जब गृह मंत्री पुलिस को आदेश देंगे, चट्टे तो एक ही थाली वाली के हैं ये, जब गृह मंत्री की पुलिस अमित शाह जी की पुलिस है, जब वो आदेश देंगे, जब वो आदेश तो उन्होंने यहाँ दिए थे रात इन बहनों पर लठ बजाने के, धक्के मारने के, धक्का मुक्की करने के। सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो केस था उसको खारिज कर दिया, बोला है लोअर कोर्ट में जाने के लिए, आप इस पे क्या कहेंगे? लोअर कोर्ट में चले जाएंगे और लोअर कोर्ट में जो इनकी मनमर्जी चलेगी है, लेकिन मैं वहाँ के लोगों से यही निवेदन करूंगी इन बेटियों का समर्थन करें, क्योंकि सभी जो है बेटी की कोख से पैदा होने वाले लोग कह रहे हैं कि अब हम मेडल वापस। जिस तरीके से अब वो देखा जा रहा है कि तमाम किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, किसान यूनियन से बात हुई होगी, हाँ जी, क्या है आगे की प्लानिंग? क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं, इनका होगा, निर्देश इनका होगा, हम इनके साथ साथ चलेंगे इनके बातों पर, क्योंकि किसान आंदोलन में कुछ नेताओं ने किसान आंदोलन को स्थगित करवा दिया, किसानों के साथ छल हो गया था, और अब की बार मैं इन सभी बहनों से, महिलाओं से, पहलवानों से निवेदन करती हूँ कि आप अपना आदेश देना, चाहे वो कोई विपक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष हो, सभी को बस आदेश देना कि हम ये चाहते हैं, और किसान नेताओं को भी किसी के हाथ में आंदोलन मत देना अपना। तमाम यूनियन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी बातचीत हुई है कि क्या आगे की प्लानिंग है?
कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या करने वाले हैं? जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा और दिल्ली के बॉर्डरों पर भी आंदोलन होगा अगर इनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ किया गया। ये कह रहे राजनीतिक मामला है, इसमें राजनीतिक लोग हैं और अभी अभी एक बात बताइए, एक पत्रकार होकर के आप ऐसी बातें करते हैं? आप सत्ताधारी जब पार्टी देश में कोई भी सरकार होती है, विपक्ष का काम है, जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज को उठाए, प्रताड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करे, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो आप इस तरीके की बातें करते हैं। अरेस्ट कर लिया, कर लें दो, अरेस्ट कर लेंगे कितने? दीपेंद्र हुड्डा को अरेस्ट करेंगे? हाँ। कितने नेताओं को अरेस्ट करेंगे विपक्ष के? हाँ। ये जनता का हर व्यक्ति नेता है, जनता के, जनता ने वोट देकर के बनाया प्रधानमंत्री गृह मंत्री को। ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि 100-200 करोड़ का मामला है, इस पूरे प्लान को कमा लिया क्या 100-200 करोड़ ब्रिजभूषण जी ने? अगर कमा लिया तो बताओ जनता के सामने। नहीं, 100-200 करोड़ देकर इनको यहाँ पर बैठाया गया इस तरीके से, 100-200 करोड़ अगर इनको उद्योगपति शामिल है और एक बाबा शामिल है, वो अगर अगर 100-200 करोड़ देकर के इन बेटियों को यहाँ बिठाया जाता तो ये इन तख्तों पर नहीं सोती लकड़ियों के पे, जिनकी वजह से रात इन्होंने सिर फाड़े पहलवानों के। और महिला पहलवान 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, महिला इस देश की है ना 500 करोड़ लाख करोड़ पर भी अपना सम्मान नहीं गिराएगी। पुलिस वाले ने बहन की सीने पर हाथ मारा है, उसको धक्का दिया, पता आपको इस बात का वीडियो देखा ना किस तरीके से रो करके बहन बता रही है? तो कौन है ऐसी, ब्रजभूषण ले लेगा इतने पैसा और वो लगवा लेगा अपनी बेटी के सीने पर हाथ, किसी से धक्का लगवा लेगा? लगवा लेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ अपनी बहन बेटी से, ब्रजभूषण से, कि क्या आप लगवा लेंगे इस तरीके की हरकतें? आप करवा लेंगे? देश की ऐसी कौन सी बेटी है सामने आए वो 100-200 करोड़ लेकर के अपने सीने पर हाथ मरवा ले और धक्का लगवा ले? कहते बेशर्मों वाली बातें करते हैं लोग, शर्म नाम की चीज नहीं, लोकतंत्र को तर तर करते, बेटियों को बदनाम करते, इस देश की बदनामी हो रही है। अब नहीं हो रही बदनामी, देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए? अब रैली में भी जिए कर्नाटक, अब नहीं हो रही बदनामी कि महिला पहलवानों के सिर फोड़े गए, महिला पहलवानों के सीने पर हाथ मारा गया, महिला पहलवान धरने पर बैठी है, अब नहीं हो रही बदनामी? लगता है प्रधानमंत्री का जवाब आएगा, लगता है प्रधानमंत्री का जवाब आएगा। मन की तैयारी कर रहे हैं ना वो, मन की बात की, यहाँ बेटियों के एपिसोड की तैयारी हो रही है, आप ये मत भूलना इस बात। लगता है प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर जवाब आएगा? 11-13 दिन तो आज हो गए दिखे, और 12 दिन, और अब 12 दिन में तो अभी तक जवाब आया ना है। हाँ। तो अब क्या आवेगा? आगे उम्मीद है, 13 महीने बाद पहले भी आ गया जवाब। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, दुनिया कायम है, उम्मीद तो हम लगाते ही रहे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है। हाँ। उम्मीद तो प्रधानमंत्री से ही करी जाएगी, नहीं पहले भी 13 महीने बाद जवाब आ गया था। किसी फकीर से थोड़ी करा जाएगी जो झोला उठाकर चल देगा, पहले भी 13 महीने बाद जवाब आया था। इतना इंतजार आप करेंगे अगर इतना लेट इंतजार, पहले भी 13 महीने बाद जवाब आया था तो क्या इतना इंतजार अभी करेंगे? कोई बात नहीं, आपका 26 महीने कर लेंगे, आपका 26 महीने कर लेंगे, 13 × 26, क्योंकि 13 महीने के आंदोलन में शांति, अहिंसा, प्रेम, मोहब्बत, बोलना चालना, नेक नियत, सब कुछ 13 महीने के आंदोलन में ट्रेंडकारी बैठे हैं, सब जानते हैं आंदोलन करना, आंदोलन चलाना। चलिए, देश की बेटी रोड पे, देश की बेटी रोड पे, प्रधानमंत्री चुनावी मोड पे।